अगर आप चावल और उड़द दाल का फर्मेंटेड डोसा खाते हुए बोर हो गए हैं और नए तरह का डोसा ट्राई करना चाहते हैं, तो आज की स्प्राउटेड मूंग डोसा रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ना सिर्फ ये इंस्टेंट है बल्कि बहुत हेल्दी भी है। मूंग के फायदे तो आप सभी जानते हैं, मूंग बीन्स आर हाई इन प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। लेकिन ये सभी फायदे मिलते तभी हैं जब मूंग को सही तरह से खाया जाए। तो बीन्स को अगर सही तरह से पानी में सोक किया जाए, साथ ही अगर बीन्स को सोक करके स्प्राउट होने तक रख दिया जाए, तो बीन्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है एंड इट प्रोवाइड्स बेटर डाइजेशन। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एंटी ऑक्सीडेंट्स जो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में बहुत जरूरी होते हैं। तो बस स्प्राउट्स को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, इसी सीरीज में आज हम बना रहे हैं स्प्राउटेड मूंग डोसा। तो इन्हें बनाने चलिए मेरे साथ निश श्रेयास किचन में। स्प्राउटेड मूंग डोसा बनाने के लिए हमें मूंग को स्प्राउट करना होता है। तो एक कप मूंग ले रहे हैं, इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से धो लेंगे। इस पानी को भी अब फेंक देंगे और फिर साफ पानी डालेंगे और मूंग को भीगने के लिए 7 से 8 घंटे तक ढक करके रख देंगे। 7-8 घंटे बाद आप देखेंगे मूंग साइज में डबल हो गए हैं। अब इसका पानी हमें निकाल करके फेंक देना है और मूंग को स्प्राउट होने के लिए रखना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको किसी आप मसलिन क्लोथ या कॉटन के कपड़े में बांध करके रख दें, या फिर इसको इसी बोल में आप रखें, पानी पूरा निकाल दिया है, इसी बोल में इसको ढक करके रखेंगे। स्प्राउट्स होने में करीब 10 से 12 घंटे लग जाते हैं और मौसम अगर ठंडा हो तो स्प्राउट्स होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि मूंग में पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। तो अगर मूंग आपको ड्राई लगे तो मूंग में थोड़े से पानी के छींटे दें और एक बार चला लें। अब मूंग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मूंग स्प्राउट हो गए हैं। अगर आप इन स्प्राउट्स को हाथों हाथ काम में नहीं लेना चाहते हैं और स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इन्हें आप किसी भी जिपलॉक में बंद करके 2 से 3 दिन के लिए रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। पर हम इन्हें हाथों हाथ काम में ले रहे हैं, तो एक बार साफ पानी से इन्हें धो लेंगे और फिर इनको ग्राइंडर जार में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब इस पेस्ट को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम बारीक पेस्ट बना है। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें हरी मिर्च और अदरक भी इसके साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं। इसमें अब डालेंगे हम 3/4 कप चावल का आटा और अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिलाएंगे। और इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें 3/4 चम्मच नमक डालें, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और इन्हें अच्छे से मिला लें। तो डोसे का बैटर बनकर के तैयार है। तवा भी हमने गरम कर लिया है। तवा हमने गरम कर लिया, इसको हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर तवा ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़े से पानी के छींटे डाल करके किचन टॉवल से पोंछ लें और गैस को बंद कर दें। अब डोसे का बैटर थोड़ा सा हम लेंगे और तवे के बिल्कुल बीच में डालेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको ऊपर से घुमाते हुए अंदर से बाहर की तरफ में फैलाएंगे। तवा अगर हल्का गर्म होगा तो आप आसानी से बैटर को फैला पाएंगे, और अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उस केस में क्या होता है कि हम अच्छे से बैटर को फैला नहीं पाते। तो हल्का गर्म हमने तवा रखना है, बैटर को तवे के बिल्कुल बीच में डालना है और हल्के हल्के हाथ से इसको फैलाना है। जब पूरी तरह से बैटर को फैला लेंगे तब गैस को ऑन करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे। ऊपर से इस पर थोड़ा सा घी या ऑयल आप जो भी लगाना चाहें वो थोड़ा सा लगा सकते हैं और डोसे को प्रॉपर तरीके से अब सिकने देंगे। जैसे जैसे बैटर नीचे से सिकता जाएगा वैसे वैसे डोसा तवे से आसानी से हटने लगेगा। तो ये देखिए किनारे से डोसा आसानी से हटने लगा है, ऊपर से डोसे का कलर भी चेंज हो गया है, यानी डोसा नीचे से बहुत अच्छे से सिक गया है। तो डोसा बनकर के तैयार है।
तो इसको तवे से उतार लेते हैं। इसे आप नारियल की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, खजूर की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ किसी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये डोसा कितना क्रिस्पी है। तो ये देखिए एकदम पापड़ की तरह क्रिस्पी है। डोसे को जितना लो फ्लेम पर सेकेंगे उतना ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो देखा आपने कितना आसान है स्प्राउटेड मूंग का डोसा बनाना। तो ऐसे ही हेल्दी फूड आप अपनी डाइट में शामिल करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हेल्दी क्रिस्पी डोसा की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।